दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज हम शेयर करेंगे फ्राइडे स्पेशल चिकन सीख बिरयानी की रेसिपी। तो चलो चलते। तो चिकन सीख बिरयानी के लिए हमें चाहिए पहले आधा किलो चावल बासमती राइस, जिसको मैंने एक घंटा भिगा कर रखा है। फिर चाहिए हमें आधा किलो कांदा। फिर चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन, एक वाटी दही, बिरयानी का शाही बिरयानी मसाला, कटा हुआ धनिया, खड़े गरम मसाले, पीसी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ पुदीना। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ अदरक लहसुन। फिर चाहिए बारीक कटे हुए टमाटर। और ये रहे हमारे मसाले। तो सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो चिकन, इसको हमें पीस लेना है। तो ये अभी मैंने पीस ली हूँ चिकन। अब इसमें हम डालेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन, एक चम्मच हरी मिर्ची, और थोड़ा सा कटा हुआ कोथमीर। और फिर डालना हमें इसमें नमक। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर एक चम्मच, और डालेंगे उसमें गरम मसाला एक चम्मच। फिर डालेंगे हम लोग इसमें ज़ीरा पाउडर एक चम्मच, छोटा एक चम्मच, हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं। अब हमें इसे अच्छे से हाथ से पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से पूरा हमें मिक्स कर लेना है, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें अभी पूरा ऐसे कर देना है। और इसमें हम डालेंगे अभी जलता हुआ कोयला, बीच में हमें कोयला रख देना है। पहले मैंने अभी कोयला जलने रख रही हूँ। अब हमने इसके बीच में ऐसे कोयला रख दिया है। और अब हम डाल रहे हैं इसके ऊपर घी, और फिर इसको रख देना है ढककर पूरा एक घंटा। तो सबसे पहले हमें अब रख लेना है गैस पर देगचा, और फिर हम गैस ऑन कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली हूँ। अब हमें इसमें डालना है तेल। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें बिरिस्ता करना है कांदे का, इसके लिए मैं तेल ज़्यादा डाल रही हूँ। जब बिरिस्ता करके मैं कांदे को निकाल लूँगी, उसके बाद मैं तेल कम कर दूँगी। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कांदा। अभी हम इसमें डाल रहे हैं कांदा। कांदे को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का भूनना है। और फिर जब तक मेरा कांदा लाल हो रहा है, इधर पर जब मेरा कांदा जब मेरा भून जाएगा, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जब तक का उसके बाद मैं सीख बना लेती हूँ। मैं दूसरे गैस पर हमारी सीख बना लूँगी। तो इसमें मैंने बघार दी थी कोयले का स्मोक आने के लिए, जिसमें हमें सीख का फ्लेवर मिल सकता है। इससे हमें सीख का पूरा टेक्सचर फ्लेवर सेम वैसे ही आएगा जैसे हम सीख खाते हैं बाहर की। अब हम उसे सीख बनाएंगे और मैं उसे तल लूँगी। अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी हूँ। अब इसमें हम तेल डालेंगे। हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब तेल गरम होने देना है। जब तक तेल गरम होता है तो मैं अपनी जब तक सीख बना लेती हूँ। जिसके पास सीख की स्ट्रॉ नहीं है तो ऐसे वो चम्मच पर सीख बना सकते हैं। ऐसे भी अच्छी बनती है सीख, ऐसे हम चम्मच पर सीख अच्छी तरह से पूरी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें
सीख की वो चाहिए कांडी वगैरह जो भी, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी अच्छी बनती है। तो ये अब मैं सीख ऐसे डाल रही हूँ सब, तो इसी तरह से मैं अभी पूरी सीख तल लूँगी। तो इस तरह से हमें ऐसे सीख बनानी है। अब मैं उसको पलट कर दिखाती हूँ। तो ये मैंने उसे पलट दी हूँ, इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से तल लेना है। इसी तरह हमें पूरी जितना हमने लिया था बैटर वो पूरा हमें सीख बनाकर तल लेनी है। अब मैं ये तल लूँ पूरी, फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेसर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे सीख तल कर रेडी हो चुके हैं, और मैंने जो बाजू में बिरिस्ता की थी वो भी रेडी हो चुका है, ये बिरिस्ता भी रेडी हो चुका है। अब हम मसाला भूनेंगे, बताती हूँ मैं आपको। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और मैंने जो तेल डाला था उसमें मैंने तेल को कम कर दी हूँ। अब सबसे पहले मुझे इसमें डालने हैं गरम मसाले। ये मैंने गरम मसाले जो ली थी वो ज़्यादा ली थी, तो इसे इसको हमें आधे ही डालने हैं, आधे हमें चावल में डालने हैं। तो सबसे पहले गरम मसाला डालना है, फिर उसके बाद अदरक लहसुन डालना। अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। अब ये मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन के बाद अभी हमें डालना है चॉप किए हुए टमाटर। अब हम डाल रहे हैं इसमें कोथमीर। अब डाल रहे हैं पुदीना, गरम मसाला, एक चम्मच हरी मिर्ची और दही। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे अभी हमारे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच, और सादी लाल मिर्ची हमें एक चम्मच डालना है। छोटे चम्मच है मेरे, आप बड़े भी ले सकते हो, जैसे आपको आपके खाने के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 3 चम्मच डालना है। और ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच डालना है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के हाँ, अब ये हमें इसे अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाएगा अच्छे से, जब ये तेल पूरा छोड़ देगा मसाला, तो उसके बाद हमें उसमें वो जो हमने सीख बनाई थी वो सीख डाल देनी है। अब ये ऊपर तेल आ चुका है इसमें, इसमें हम नमक भूल गए थे, तो मैं नमक डाल रही हूँ। पूरा जो रिश्ता बनाई थी ये हम लोग उसे पूरा डाल रहे हैं। ये मैंने अच्छे से पूरा भून चुकी हूँ, अब तेल ऊपर आ चुका है, तो हमारा मसाला रेडी है। ऊपर देख सकते हैं आप, पूरा अच्छी तरह से पूरा तेल आ चुका है। डालना है वरना बहुत ऑयली हो जाएगी, कम ही तेल डालना है इसमें। तो पूरा अच्छी तरह से तेल आ चुका है, अब ये हमारा मसाला रेडी हो गया है बनकर। अब इसके बाद मैं करती हूँ चावल, मैं चावल रख देती हूँ बनने के लिए, जिसके लिए मैं एक डेगचे में अभी पानी रखूँगी। अब हमने भगोना रख दिया है एक दूसरे गैस पर, और अब मैं उसको उसके अंदर डाल रही हूँ पानी। डाला इसमें, तो ये हमने आधा किलो के हिसाब से मैंने पानी डाली, आधा किलो चावल के हिसाब से डाली, ग्लास होते हैं तो ये मैंने 2 ग्लास के हिसाब से मैंने ये 8 ग्लास पानी डाली हूँ। पानी हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें इसे बाद में छान लेना है। जब ये पानी उबल जाएगा अच्छे से पूरे चावल पर, थोड़े एक कनी रहेगी चावल में, उसके बाद हमें चावल को छान लेना है। मैं डाल रही हूँ उसमें नमक, नमक हमें ज़्यादा डालना है।
चलने से, तो नमक का पानी जब हम निकल जाता है ज़्यादा तो चावल फीके हो जाते हैं, तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें तेल, तेल डालना देखो एकदम बिखरे बिखरे बनते हैं। अब इसे उबाल आने तक पकने देना है। उबाल जब एक उबाल आ जाएगा इसमें हमें चावल डाल देने हैं। अब ये जोश आ चुका है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ हमारे भीगे हुए चावल। तो अब हमारे चावल हो चुके हैं, मैं इसको छान ले रही हूँ। तो देखिए ये हमारा चावल अच्छी तरह से पक चुका है, हल्की सी कनी है, तो जब हम इसे दम पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा। और ये देखो कैसे हमारा चावल बिल्कुल खिला खिला सा है। अब तो अभी हमारा मसाला जो हमने बनाकर रखा था तो उस पर हमें ये चावल पूरी अच्छी तरह से डाल देने हैं। तो मैं अभी ऐसी तय लगा रही हूँ चावल की, इसके ऊपर पूरे हमारे छाने हुए चावल की मैं तय लगा रही हूँ पूरी। इसमें कलर डाल देना है, तो मैं दो कलर डालूंगी, एक ऑरेंज डालूंगी और एक ग्रीन डालूंगी। हाँ, अब मैं ये ग्रीन कलर डाल रही हूँ। तो अभी हमें इसे पेपर से अच्छा ऐसा ढक कवर कर लेना है जिससे इसकी बाहर ना निकले, ये अच्छे से सील पैक हो जाए। अब इसे हमें अच्छे से ढक देना है, और हमें इसे जब हमें इसे गैस पे रखना है तो स्लो आंच पर रखना है, और इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है वरना ये नीचे से जलेगी।